प्यार तुझे करता हूँ, देख मेरी आंखों में। ओके दोस्तों, आज का प्रीव्यू स्टार्स कैसा लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। इस तरह का वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर आपको भी बनाना है तो वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले VN ऐप ओपन कर लेना होगा। VN ऐप ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो प्लस ऑप्शन पर टैप कर देना होगा। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन पर टैप कर देना होगा, तो आप लोगों की गैलरी ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक 3 सेकंड का वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद चॉइस करके यहाँ पे एरो ऑप्शन पे टैप कर देना होगा, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करके लास्ट पर जाना होगा और 3 सेकंड का एक ब्लैक पेज है, इस ब्लैक पेज को डिलीट कर देना होगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, तो फोटो ऐड करना पड़ेगा। फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन पर टैप कर देना होगा, उसके बाद वीडियो एंड फोटो ऑप्शन पर टैप कर देना होगा। उसके बाद फोटो वाले सेक्शन पर टैप करना होगा और पसंदीदा फोटो यहाँ पे चॉइस कर लेना होगा। तो आप लोग इस तरह से चॉइस कर लीजिए, उसके बाद एरो ऑप्शन पे टैप कर दीजिए, तो इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। ओरिजिनल ऑप्शन पे टैप करके 9:16 को चॉइस कर लीजिए। उसके बाद इसको हटाने के लिए साइड पे क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। उसके बाद म्यूजिक ऐड करूँगा, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए फर्स्ट पर चले आना होगा और टैप टू ऐड म्यूजिक ऑप्शन पर टैप कर देना होगा। म्यूजिक ऑप्शन पर टैप कर देना होगा, उसके बाद माई म्यूजिक ऑप्शन पर टैप करके म्यूजिक लाइब्रेरी पर टैप कर देना होगा। म्यूजिक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपके डिवाइस पर म्यूजिक शो हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यूजिक के साइड में यूज ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप कर देना होगा। उसके बाद बीट्स ऑप्शन पर टैप करना होगा और बीट्स लगाना पड़ेगा। बीट्स का सेकंड मैं दे चुका हूँ स्क्रीन के साइड पर, देख कर ठीक से लगा लीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके 3.67 सेकंड पर आ जाना होगा और यहाँ पर रेड बटन है, इस बटन के ऊपर टैप कर देना होगा, तो फर्स्ट बीट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके 4.05 सेकंड पर आ जाना होगा और यहाँ पर भी रेड बटन के ऊपर टैप कर देना होगा, इस रेड बटन के ऊपर टैप कर देना होगा, तो सेकंड बीट हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से बीट को लगा लीजिए, मैं बीट लगा के रखा हूँ। उसके बाद राइट ऑप्शन पर टैप कर देना होगा, उसके बाद फिर से राइट ऑप्शन पर टैप कर देना होगा और इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो थोड़ा इस तरह से जूम कर लीजिए, फर्स्ट फोटो को सेकंड बीट के ऊपर करना होगा, फोटो के ऊपर टैप कर देना होगा और इस तरह से छोटा कर दीजिए, सेकंड बीट के बाबा कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट फोटो को भी थर्ड बीट के बाबा करना होगा, तो इसको थर्ड बीट के बाबा कर देना होगा, इस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट फोटो को भी नेक्स्ट बीट के बाबा करना होगा, तो इस तरह से कर लेना होगा। तो आप लोग इस तरह से कर लीजिए, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लास्ट फोटो को म्यूजिक के बाबा कर देना होगा, तो आप लोग इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए इस तरह से और इसको खींच के इस तरह से कर लीजिएगा और इस तरह से थोड़ा जूम कर लीजिए। फोटो को म्यूजिक बीट्स के बाबा कर देने के बाद फोटो को ठीक से एडजस्ट कर लेना होगा, तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा ठीक से एडजस्ट। तो फोटो पर इफेक्ट इफेक्ट लगाना पड़ेगा, तो इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना होगा और यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर जूम इन इफेक्ट को चॉइस कर लेना होगा। सेम इफेक्ट सब फोटो पर ही लगाना है, तो एक एक करके लगाने से टाइम बहुत लगेगा, इसलिए अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पर टैप कर देना होगा, तो सब फोटो पर ही सेम इफेक्ट लग जाएगा। अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पर टैप कर देना होगा, देख सकते हो यहाँ पर लग गया है। उसके बाद फर्स्ट वीडियो पर भी लग गया है, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो फर्स्ट पर चले आना होगा। इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, थोड़ा स्क्रॉल करके नॉन कर देना है, राइट ऑप्शन पर टैप कर देना है, तो यहाँ पर हट जाएगा, देख सकते हो हट गया है। फोटो के बीच में बहुत सारे प्लस ऑप्शन है, तो प्लस ऑप्शन पर इफेक्ट लगाना पड़ेगा, इफेक्ट लगाने के लिए प्लस ऑप्शन पर टैप कर देना होगा। यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ड्यूरेशन को इस तरह से कम कर लेना है और अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पर टैप कर देना है, तो सब फोटो पर ही सेम इफेक्ट लग जाएगा। और फोटो के साइड को थोड़ा ब्लैक करना पड़ेगा, तो फोटो के ऊपर टैप कर देना होगा, फिल्टर ऑप्शन पर टैप कर देना होगा, एडजस्ट पर टैप करना होगा और थोड़ा स्क्रॉल करके विगनेट को फुल कर देना है, डबल आइड ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो प्रीव्यू के जैसा हमारा वीडियो बन के तैयार हो गया। वीडियो को सेव करने के लिए 3 ऑप्शन पर टैप करना होगा, एक्सपोर्ट ऑप्शन पर टैप कर देना होगा, तो वीडियो सेव होने लग जाएगा। आज के लिए वीडियो नहीं, अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।